अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इशरत क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे करेले की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स करेले लिए हैं। सबसे पहले इसकी दोनों साइड्स कट कर लेना है, फिर हल्के हाथों से पील ऑफ कर देंगे। करेले में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसा कि वाइटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक आदि होते हैं, जो बॉडी सिस्टम को ठीक रखने में मदद करते हैं। इसी तरह हम सारे करेलों को पील ऑफ करके रख देंगे। अब इन करेलों को लंबे लंबे स्ट्रिप्स की तरह कट कर लेना है। अगर करेले ज़्यादा सख्त हो तो सीड्स रिमूव कर दे सकते हैं। अब हम सारे करेलों को इसी तरह कट कर लेंगे। इन पीसेस में 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट ऐड करने से जो करेलों का कड़वाहट है कम हो जाएगी और इसको कुछ ही देर के लिए ढककर रख देंगे। मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लेकर इन्हें भी स्ट्रिप्स की तरह कट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑयल लगभग 3 to 4 टेबलस्पून्स होगा। ऑयल हीट होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू के पीसेस। इन पीसेस को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सॉफ्ट भी बन जाएंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी ऑयल में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा। चॉप्ड ऑनियन और 4 कटे हुए हरी मिर्च। ऑनियन और हरी मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक 2 to 3 मिनट्स फ्राई कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले के पीसेस। इन्हें भी कलर चेंज होने तक हल्का सा चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू के पीसेस। आलू और करेले के पीसेस को 1 मिनट के लिए हल्का सा चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून नमक। इन सभी को मीडियम फ्लेम पर 3 to 4 मिनट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद कवर करके 1 to 2 मिनट्स के लिए दोबारा कुक होने देना है।
ये देखिए अब करेला और आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले, जैसा कि 2 टेबलस्पून पीनट पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप लोग के पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप लोग इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।